वायुसेना आज अपना 84वां वर्षगांठ मना रही है। इस मौके पर भारतीय वायुसेना ने आकाश में वह ताकत दिखाई जिसे देख दुश्मन का दिल भी कांप उठे। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर वायुसेना का पूरा दमखम दिखाई पड़ा। इस दौरान हिडन एयरबेस पर वायुसेना प्रमुख अरूप राहा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों के अलावा मालवाहक विमानों के साथ जवानों ने भी अपना दमखम दिखाया। आकाश गंगा की टीम ने 2000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट से कार्यक्रम स्थल पर उतरकर इसकी शुरुआत की। आकाश गंगा की टीम का नेतृत्व वायु सैनिक गजानंद यादव ने किया, जिसके बाद सेना ने मार्च पास्ट निकाला जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी। इस कार्यक्रम में पहली बार फ्लाई पास्ट में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस भी शिरकत कर रहा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वायुसेना दिवस पर जवानों को बधाई दी है। केंद्र सरकार ने मुसलमानों के बीच तीन तलाक और बहुविवाह प्रथा का शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में विरोध किया है। साथ ही लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे आधार पर इन पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया है। केंद्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय में ट्रिपल तलाक की प्रथा का विरोध करते हुए कहा कि 65 सालों से मुस्लिम समुदाय में सुधार न होने की वजह से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर और असुरक्षित बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार को कहा गया कि ट्रिपल तलाक और बहुविवाह को धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं करार दिया जा सकता। कानून मंत्रालय द्वारा दाखिल इस हलफनामे में कहा गया कि इस तरह की प्रथाओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। सरकार का कहना है कि ट्रिपल तलाक और बहुविवाह का महिलाओं की स्थिति पर बड़ा असर पड़ता है। बता दें कि संविधान की अनुच्छेद 25 के तहत ट्रिपल तलाक या बहुविवाह की छूट नहीं मिली है और न ही यह धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निठारी कांड में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई। बीते बुधवार को गाजियाबाद में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उसे इस मामले में दोषी करार दिया था। इससे पहले निठारी कांड से संबंधित करीब 5 मामलों में उसे दोषी करार देते हुए कोर्ट पहले ही फांसी की सजा सुना चुकी है। सीबीआई के जज पवन तिवारी ने सुरेंद्र कोहली को उसके मालिक मरिंदर सिंह पंधेर के घर पर काम करने वाली 25 वर्षीय नौकरानी नंदा देवी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। नंदा देवी 31 अक्टूबर 2006 को लापता हो गई थी। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि कोर्ट ने कोहली को नंदा का अपहरण करने, उसकी हत्या, रेप करने और सबूत नष्ट करने का दोषी ठहराया था। कोहली पर 16 मामले चल रहे हैं, जिसमें से 6वें मामले में सीबीआई जज पवन कुमार तिवारी ने उसे फांसी की सजा दी। गौरतलब है कि साल 2014 में ही सुरेंद्र कोहली को निठारी कांड में दोषी करार दिया गया था। उस वक्त कोहली को मेरठ जेल में 12 सितंबर 2014 को फांसी दी जानी थी, लेकिन देश की शीर्ष अदालत ने उसकी फांसी पर रोक लगा दी थी। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी सियासी तौर पर घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल ने गुरुवार शाम को कहा था कि पीएम मोदी शहीदों के खून की दलाली कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष के इस बयान के बाद बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी राहुल गांधी पर हमला कर रही है। अमित शाह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यूपी में 27 साल बाद सत्ता वापसी की कोशिश में जुटे कांग्रेस के युवराज 21 दिन पहले देवरिया से शुरू हुए किसान यात्रा पूरी कर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन राजधानी पहुंचते ही उन्होंने यह बयान देकर सियासी तौर पर घिर गए हैं। यूपी में सभाओं के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना और केंद्र सरकार की तारीफ करने वाले राहुल गांधी का नया दांव कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। जवानों की शहादत के संदर्भ में दलाली शब्द का इस्तेमाल किए जाने से बीजेपी भड़क गई है। पार्टी ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार में शराब बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार करते हुए पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने जिन शराब निर्माताओं की याचिका पर प्रतिबंध कानून को दरकिनार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उन शराब निर्माताओं समेत सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। इन प्रतिवादियों की याचिका के आधार पर ही हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के प्रतिबंध कानून को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी कानून को रद्द किए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें बिहार सरकार ने 30 सितंबर तक पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बिहार सरकार की याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के शराबबंदी कानून को रद्द करने से बिहार सरकार की शराबबंदी की मुहिम को झटका लगा। यूपी के संभल जिले में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घटना जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र की है, जहां मिलक के जंगलों में सरकटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरने वाले का नाम गुलाब सिंह बताया गया है, जो कि चंदौसी के मिलक का ही रहने वाला है। मृतक के परिजनों का कहना है कि गुलाब सिंह कल रात से ही लापता था।
उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश की मगर वो नहीं मिला। वहीं पुलिस इस हत्या के पीछे अवैध संबंध होने का कयास लगा रही है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। सपा सरकार में आम जनता के साथ साथ अब अधिकारी भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। ताजा मामला यूपी के मऊ जिले का है, जहां उप जिलाधिकारी बिमल कुमार दुबे को अज्ञात नंबरों से लगातार धमकियां और 15 लाख की फिरौती की मांग की गई है। ऐसा ना करने पर 24 घंटे के अंदर जान से मारने की धमकी भी मिली है। इस घटना के बाद से उप जिलाधिकारी दहशत में आ गए हैं। घटना के बाद मामले की जानकारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दे दी गई। वहीं पुलिस ने नंबर को ट्रेस कर जांच शुरू कर दिया है। कैरेबियन सागर में पिछले एक दशक में आए सबसे ताकतवर समुद्री तूफान मैथ्यू ने हेती में तबाही मचा दी है। इस तूफान में मरने वालों की संख्या 800 से ऊपर पहुंच चुकी है। इस तूफान से अमेरिका के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है तो कई राज्यों में बुनियादी सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका में करीब 12 लाख लोग बिना बिजली सप्लाई वाले इलाकों में फंसे हुए हैं। अमेरिका में 3000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मैथ्यू तूफान के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका के फ्लोरिडा समेत जॉर्जिया में इमरजेंसी लगा दी है। तूफान मैथ्यू के फ्लोरिडा में पहुंचने की आशंका के मद्देनजर अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर रह रहे करीब 30 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। इस शक्तिशाली तूफान से निपटने के लिए अधिकारियों और बचाव दल के कर्मचारियों को तटीय इलाकों में भेज दिया गया है। बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर उठे विवाद के बीच अभिनेता फवाद खान ने इस पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। फवाद खान ने कहा कि दो बच्चों के पिता होने के नाते वे शांतिपूर्ण दुनिया की कामना करते हैं। 34 साल के अभिनेता ने कहा कि उन्होंने जुलाई में भारत किसी खतरे के चलते नहीं छोड़ा था, बल्कि वह अपनी पत्नी सदफ के साथ रहना चाहते थे, जो उनके दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। उन्होंने कहा कि मीडिया और दुनिया भर के लोगों ने उनसे पिछले कुछ दिनों में हुई दुखद घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया मांगी थी। अभिनेता ने अपनी कथित भारत विरोधी टिप्पणियों की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले में पहली बार बोल रहे हैं। न्यूजीलैंड और भारत के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। 2 साल बाद वापसी करने वाले गौतम गंभीर ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और 29 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इससे पहले कीवी कप्तान केन विलियमसन ने तेज गेंदबाज के कम प्रभावी होने पर 5वें ओवर में ही स्पिनर जीतन पटेल को गेंद थमा दी और उनका यह दाव सटीक रहा। पटेल ने टीम इंडिया के ओपनर मुरली विजय को आउट कर 26 रन पर भारत को पहला झटका दिया। विजय को टॉम लैथम ने शॉर्ट लेग पर खूबसूरती से लपका। दूसरा झटका अच्छी लय में दिख रहे गौतम गंभीर के रूप में लगा। गंभीर को ट्रेंट बोल्ट ने आउट कर दिया। कोहली सीरीज में तीसरी बार टॉस जीते हैं और तीनों ही मैच में पहले बैटिंग की है। कोलकाता टेस्ट में जीत दर्ज करके सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर चुकी टीम इंडिया अंतिम टेस्ट को जीतकर अपनी सरजमी पर एक और क्लीन स्वीप की कोशिश में होगी। इसके साथ ही वे टेस्ट में नंबर 1 की रैंकिंग को भी बरकरार रखना चाहेगी। क्रिकेट की लंबी परंपरा वाली इंदौर में पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है।